अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट टाइम हमने मर्क्यूरस के राउटर को इस पावर बैंक पर चलाया था, लेकिन कुछ दोस्तों की कंप्लेन आई है कि उनका राउटर जो है ये पावर बैंक पर नहीं चल रहा, यानी ऑन हो जाता है लेकिन आगे वर्क नहीं करता। हालांकि राउटर बिल्कुल ठीक है, पावर अडाप्टर पर सही वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको और बताता हूँ कि राउटर को कैसे चलाना है। वो तो मर्क्यूरस का राउटर था, उसकी रेटिंग थी 5 वोल्ट, तो इस पावर बैंक की रेटिंग भी 5 वोल्ट ही होती है। ये देखें यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 5 वोल्ट ही लिखा है। तो ये उनके जो दोस्तों के पास राउटर थे उनके पास, ये देखें, ये एक मेरे पास टेंडा का राउटर है। जो मेरे दोस्तों के पास राउटर है वो किसी के पास टेंडा का था, किसी के पास PTCL का था, या किसी का किसी और कंपनी का था। अभी ये देखें, ये टेंडा की जो पावर रेटिंग है वो 9 वोल्ट है। शायद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, बहुत बारीक सा लिखा हुआ है, तो इसकी 9 वोल्ट रेटिंग है। और कुछ दोस्तों के पास PTCL का राउटर है तो उसकी 12 वोल्ट रेटिंग है। 12 वोल्ट और 9 वोल्ट वाले जो राउटर हैं उनको कैसे चलाना है वो मैं आपको बताता हूँ। वजह तो आपको पता चल गई, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट आउट होते हैं तो ये 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का राउटर नहीं चलेगा। तो हम इसको अब 12 वोल्ट या 9 वोल्ट कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखें, इसी तरह मेरे पास एक और पावर बैंक है, तो हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। इस अटैच करने वाली एक केबल बनाएंगे और इनको राउटर को चलाएंगे। तो इनको आपस में कैसे अटैच करना है और केबल ये कैसे बननी है, ये हमने पिछले लेक्चर में जो बताया था, जो मर्क्यूरस के राउटर पर केबल लगाई थी, ये वही केबल है। तो इसको हम उतार लेते हैं यहाँ से और आपको बताता हूँ कि ये इन दोनों पावर बैंक्स को कैसे अटैच करना है। ये पिन भी इसको नहीं लगेगी, ये देखें, ये पिन बारीक है लेकिन इसको मोटी पिन लगती है। वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पिन पड़ी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अडाप्टर की उतार लें। इसको आम कॉमन DC पिन लगती है। तो आइए देखते हैं इसको अब कैसे अटैच करना है। ये देखें, ये दोस्तों सबसे पहले इसको हम अनशील्ड कर लेते हैं। पर सोल्डर लगा हुआ है। इसी तरह हम एक और USB केबल लेते हैं, दूसरा जो हमारा पावर बैंक है उसको अटैच करने के लिए। इसको इसके बराबर काट लें ताकि फिर ऊपर नीचे ना हो। तो इसको किसी ब्लेड से या कटर से काट लें थोड़ा सा। देखें 4 वायर्स हैं इसमें, आप देखते हैं प्लस माइनस कौन सी है। मैंने एक पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि हम इसकी प्लस माइनस कैसे मालूम करते हैं। इसको कंटिन्यूटी पर करें और एक पॉइंट पर करें। ये जो राइट साइड वाली पिन होती है ना, यहाँ पर ये प्लस होती है और इधर वाली माइनस होती है, ये किसी पर भी इस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो इसको देखते हैं अब, ये देखें, ये प्लस पर आ रही है इसकी बीप, तो इसका मतलब ये प्लस है। और इसी तरह माइनस देखते हैं कौन सा है। यहाँ देखें, ये ब्लू वाला माइनस है और वाइट वाला प्लस है, इन दोनों को हम काट देंगे।
देखें, इस प्लस को हम इसके माइनस, ये जो दो केबलें हैं ना, इनके हम प्लस माइनस आपस में अटैच कर देंगे। ये हमारे पास प्लस है और इसको हम इसके माइनस से अटैच करेंगे। थोड़ा सा सोल्डर लगा लें ताकि ये लूज़ ना रहे। देखें, एक केबल का प्लस दूसरी की माइनस के साथ अटैच करके इस पर टेप लगा दें। और अभी देखें, ये एक प्लस है एक माइनस है, इसको थोड़ा सा सोल्डर लगा लें। अभी इसका भी प्लस माइनस मालूम होना चाहिए आपको, ये इसका माइनस है और ये प्लस है। ये आपको पिछली बार भी बताया था, ये डॉट्स वाली प्लस है और ये माइनस है। अब प्लस को प्लस के साथ लगा देंगे और माइनस को माइनस के साथ। टेप कर दें ताकि ये आपस में टच ना हो। नहीं जी, हमारा आप ये इस पे आप 9 वोल्ट भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट वाला भी चला सकते हैं राउटर, कोई भी राउटर चला लें, लेकिन 5 वोल्ट वाला नहीं चलाना इस पे। 5 वोल्ट वही सिंगल यूएसबी वाला चलाना है आपने एक पावर बैंक पे। ये 2 पावर बैंक के लिए बनाया है, तो इसको आपने 9 वोल्ट वाला राउटर और PTCL का आमतौर पर 12 वोल्ट का राउटर होता है उसको भी आप चला सकते हो। इसको आप इधर अटैच करें, इसी तरह इसको भी अटैच करें। और इसके साथ लगा दें, ये देखें ये हमारी लाइट्स इसकी चल गई हैं। ये देखें अभी इसकी वाईफाई की जो लाइट है ना वो चल जाती है, ये इसकी पावर वाली लाइट चल गई है। अभी थोड़ी देर वेट करें। अगर कोई आपका पावर बैंक ऑन ना हो तो उसके उस साइड पर या ऊपर पुश बटन होता है तो उसको आप दबा दें तो वो हो जाएगा ऑन, तो फिर आपकी पावर पूरी आएगी। जब दोनों पावर बैंक ऑन होंगे तो फिर ही आपकी पावर पूरी होगी। ये देखें, पहले एक पावर बैंक ऑन था तो ये ब्लिंक कर रही थी लाइट्स, अभी दोनों, वो देखें दोनों मेरे पावर बैंक ऑन है, तो अभी ये देखें वाईफाई की लाइट भी जल गई है। इसका मतलब है अब ये पूरा सही तरह वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों का भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक्स।